आदि से अले बैदा मफहूम मिसाल नस्बत करना नाल भी ले जाए ते जो रिश्तेदार कबर बंद करके वापस आने को फरिश्ते आ जाओ फरिश्तिया विखाए आ मेरा बैंक बैलेंस वेखो मेरी जमीन वेखो मेरिया मुलाजता वेखो मेरे ग्रेड वेखो तो ये हर शे विखाओ विखा के आके मैं वेखो मैं निका बंदा नहीं आया मैं बड़ा बंदा आया अगली गल करे फरिश्तियां जो मैं आया ही बड़ा बंदा होना कोई फुट फुट मेरी कबर खोलो उन्होंने बड़ी ही त्रै फुट तो वन बन गई तो जो मैं तो छे फुट से बैठते सौंदा ये कोई फुट फुट खोलो फरिश्ते आखसन जो कुछ तू ले आया ना ये कबर नहीं खुलती ईमान ले आऊंगा तेन बोलन भी नहीं देना तेरी कबर जन्नत दा बाग शैतान का सब तो पहला और बड़ा हमला मोमन के ईमान पर तुसा उन साध्या समझे वो साध ने तुसा उन अनपढ़ समझे जो नबिया ने गल पहले अनपढ़ वो थोड़ा दुश्मन है अल्लाह फरमाए दुश्मन भी खुद मुकुल है एक छुपया दुश्मन होता ना एक खुद मुकुला दुश्मन है और ईमान पर हमला कर और फिर ईमान तो गुमराह करके फिर हसदा है हूँ डरा रहे और मैं बिल्कुल ये देखो तो फारग हो गया तो बंदा मोमन सिर्फ वो होता है जरा अपने ईमान को बचा बचा के कबर चले अगर कबर च ना खड़ सके दुनिया च रखे फायदा नहीं होता ता ही एक दुआ बंदे मंगते हैं या अल्लाह मौत ईमान ते दे चंगी दुआ है और इस दुआ वास्ते कोशिश भी करें दुआ कब ने देनी ध्यान भी आप रखना तो जो फरमा दुआ बड़ी अच्छी अल्लाह कबूल करता है लेकिन दुआई वास्ते शर्त रखिए भाई कोशिश तू करनी है अजर मैं देना है या बे दुआ वाला काम जोड़ा है वो मैं रखिया ता है तेरा ध्यान मेरे अल रवे कम मैं ही कर बंदा शादी ना करे तो दुआ मंगे अल्लाह बैठा दे हूँ दुआ तो है ना तू दुआ माड़ी अलग ही आंदा होश का दुआ चंगी पे मंगना ब्याह तो तू ही करना असी सारे वो हाँ जेडे सारे कम अल्लाह के खाते पाए ने तवज्जो फरमा वो सारे अल्लाह तू ही करने पर मंगा करने माई ने कुछ मैं तेरे जिम्मे रखे तवज्जो फरमा कोशिश तेरे जिम्मे तकमीर तेरे जिम्मे मंगना तेरे जिम्मे अता मेरे जिम्मे शुक्र तेरे जिम्मे इजाफा मेरे जिम्मे तवज्जो फरमा सलवात पढ़ लो बाबा दे अल्लाह शिया खैरुल बरिया सानू आखते शिया मैंने उनका पैरोकार खैरुल बरिया का मन पता क्यों ये आज मन दसी खैरुल बरिया ये मासूमीन फरमाए हमारे शिया खैरुल बरिया सन बंदे सिर्फ शिया आते जेडे कोई पढ़े लिखे ना वो कभी कभी सन खैरुल बरिया भी आख सकते जो उन्होंने तर्जमे का पता हो ना वो सन इन कभी भी आख शिया का मतलब है हमारे पैरोकार अहले बैत ने फरमाया हमारे पैरोकार खैरुल बरिया जब ये हमारे पैरोकार बन कर रहते हैं सारी मखलूक से बेहतर होते हैं अगर ये हमारे पैरोकार न हो तो फिर ये बेहतर नहीं हो सकते सारी मखलूक से नुमाया होने के लिए अहले बैत का पैरोकार बन कर रहना पड़ता अगर पैरोकार ना बने तो फिर खैरुल बरिया क्यों बने इस वास्ते अगर
अहले बैत ने तो शिया खैरुल बरिया आखे तो फिर शिया खैरुल बरिया बनने की कोशिश आप करनी है और वो कोशिश कितनी है इनाम साहिं आगे रखे है खैरुल बरिया मखलूक में सबसे बेहतरीन मखलूक शिया है इनाम अगे सिर्फ साढ़े जिम्मे अपनी मर्जी नाल जिंदगी नहीं गुजारनी पाकां दी सीरत दे मुताबिक यही काम औखा है जड़ा भी असा साइया के जिम्मे लाया वो काम सारे तुहाडे जिम्मे ने साढ़े जिम्मे सिर्फ तुहाडा जिक्र सुनना तो बोझा करनी इन गल नहीं होना जिम्मे तुसा बना ली है सलवार पढ़ लो बाबा अकीदे तौहीद तो शुरू कर लीजिए आगे ये ईमान की मंजिल तो कोई अच्छा जी बंदे पता लग जाए ना जी आगाही हो जाए तो बंदे नूं हिदायत हो जाए इन मैं ही समझांदा ना बनेरे च हाथ मारते रहिए ना तो सूई सारी रात भी नहीं लगती तो बत्ती बन जाए लग जाती यही गल जे ये जड़ी जहालत होंगी है अनेरा हों जे जड़ा इल्म हों रोशनी होंगी जे अहले बैत इल्म दसिया है रोशनी चाहो ताकि हिदायत हो आइमा अहले बैत ने मासूमीन अलैहिस्सलाम ने बाद ऐसी चीज़ा साढ़े वास्ते इरशाद फरमाइन कोई एक फरमान ही सानू दुनिया आखरत की नेमात अता करवा सकते और मुसीबत तो बचा सकते फरमाते बंदे समझते हैं बंदियां विच साढ़े वड्डे दुश्मन फरमाया बंदियां विच बंदे थोड़े दुश्मन हो सकते पर वड्डे ने निक्के निक्के तवज्जो फरमा वड्डे दुश्मन नहीं बंदा वड्डा भी होवे ना फरमाने वो थोड़ा दुश्मन बन जाए तो वड्डा दुश्मन नहीं बन सकता और निक्का दुश्मन फिर फरमाने शैतान थोड़ा खुल मकुला दुश्मन है पर वड्डा ये भी नहीं क्यों जेड़ा बंदियां विच समझदे ने वड्डा दुश्मन है बड़े तो बड़ा ही नुकसान कर सी ना तुहानू मार छड़ सी मर तो जमी जाने तवज्जो फरमाई या कोई माली नुकसान कर दे तो जिहड़ा शैतान है दुश्मन है खुल मखुला भी है लेकिन वड्डा इस तो नहीं अगर ये तू किसे बचना हो ना तो बच नहीं पूछे गया मौला फिर मोमन का सब तो वड्डा दुश्मन हो तुम ध्यान करोगे तो लुत्फ आएगा कलाम मासूम के अंदर कितने रास कितनी खूबियां फरमाते हैं मोमन का सबसे बड़ा दुश्मन जहालत है सबसे बड़ा दुश्मन जहालत है किवें जिस बंदे का वजू ठीक नहीं होता जहालत की वजह जिस बंदे की तारत ठीक नहीं होती जहालत की वजह जिस बंदे की नमाज ठीक नहीं होती जहालत की वजह जिस बंदे का अखलाक ठीक नहीं होता जहालत की वजह मैंने इंसाफ नाल दसो वजू ठीक ना हो नमाज बातल है गुसल ठीक ना हो रोजे नहीं लाते बंदे का इस तो बड़ा दुश्मन कौन है पर ना दीन दा रहा ना दुनिया दे अहले बैत का मजहब इल्म का मजहब है माफत का मजहब तारीख के अंदर जली हरूफ नाल मौला अमीरुल मोमिनीन दा कलाम जिस ते फख्र कीता बंदियां दे सामने खुदा दी इस नेमत ते फख्र कीता खुदा दी बारगाह च आसी कीते की फरमाया रजीना किस्मत अल जब्बार फीना लना इल्मन वलिल आदाए मालू मौला अमीर दा शेर हम अहले बैत नबी और आले नबी अल्लाह की तकसीम पर राजी हैं क्यों उस अल्लाह ने हमें इल्म अता फरमाया है हमारे दुश्मन को माले दुनिया दे दिया
मरकज इल्म आकदी नाथ है और उस इल्म दे मजहर बाप मदीनतुल इल्म अली मुर्तजा अलैहि सलातु वस्सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जहालत दूर करो। जहालत किवें दूर होगी? दो चीज़ ना, इल्म अहले बैत मारफत अहले बैत। अहले बैत का इल्म, अहले बैत की मारफत जितनी बढ़ जाएगी जहालत खत्म होगी। जहालत खत्म होगी आप दुश्मनों से आज़ाद हो जाएंगे। जो बंदों में दुश्मन है वो भी कुछ नहीं कर सके, शैतान भी कुछ नहीं कर सकेगा, और जो बड़ा दुश्मन जहालत है वो भी भाग जाएगा। और मौला ने फरमाया मोमन का सबसे बड़ा दोस्त, फरमाया सबसे बड़ा दोस्त इल्म, सबसे बड़ा दुश्मन जहालत। इस वास्ते मेरे मोहतरम सामईन, उलमा को बैठना, उलमा को सुनना, ये दर हकीकत उलूमे अहले बैत को हासिल करना होता है। और वाकई बंदे जैसे सुनने लग पाते हैं, आप ही हमें यार अगर तो नहीं पता, उन्होंने पता लगे हाँ देना, मतलब ही उन्होंने पता लगे तो ऐसे ही गलत नहीं था, किधर पता ही कोई नहीं। अलअज़मतुल्लाह इंसान की कामयाबी की बुनियाद उसका ईमान है। ईमान ठीक अमल कबूल, ईमान ठीक नहीं अमल कबूल नहीं। अमल मोहताज कबूलियत वास्ते ईमान था, और ईमान मोहताज अपने इजहार वास्ते अमल। तुसी अमल कबूल करवाना है तो ईमान दे मोहताज हो, तो ईमान दसना है तो अमल दे मोहताज हो। यानी थोड़े कम दसन दे तुसा मन्या के आ जिहड़े कम च बैठे हो उतो आगे बंदा वेखे हुण पक नहीं हो जाता भाई ये उन्हें नहीं मनता, ये काम ही नहीं बैठियाँ, यदा मतलब ये आले रसूल मनने वाले। तो जो नमाज पढ़ी गई तो पक नहीं हो जाता अल्लाह मन, तो जो नबी की सुनत तरबीत है तो बंद पूछना ही नहीं पाता, बंदे आप साहब लेंगे ने है वाकई रसूल मनता है, इस नबी की सुनत अमल शुरू की। यानी ये अमल दर हकीकत ईमान के इजहार का नाम है। अकीदे तो ही इस्लाम का पहला अकीदा, खुदा नो वहदहू ला शरीक मना। तो नमाज सुनने भी पढ़ दें तो नमाज शिया भी पढ़ दें ना, अलहमदुल्ला शिया की वैसे रिश्वत ज्यादा दुनिया की रिश्वत असी तक अपने मैं शिया चेक भी बेनमाज नहीं होना चाहिए। उदे कोई हो जाए तो खैर है, क्यों जिन्होंने न मनिया वह गुजर सब पढ़ते नहीं रहे, जिन्होंने सुन मैं आ दुनिया के पढ़ने लग पाया है, साढ़े सौ बच्चे होना चाहिए। तो भाई मैं छुट्टी तो जमाने नहीं गुजारे ना, जो तई मन नहीं लिया मौजा ही रही ने ना, तो जिन्हें ना समझ अल्लाह। इस वास्ते वे मोहतरम सामईन अपनी नस्बत को वेखे तो सैयद अपनी नस्बत सादात का ख्याल रखो, शिया अपनी नस्बत इमामत व मोहब्बत का ख्याल रखो, वरना शैतान तबाह कर देगा। तो अपनी नस्बत कि तुम किन की औलाद हो और तुम किन किन के मानने वाले, ये दसो बंदे असं की हैं, तौबा करो, गिरफ्त हो जाए। मजलिस के बानी आप नहीं है, मजलिस का बानी यूसुफ ज़ारा मादी आखिर जमान है, उनकी जेर परस्ती निज़ाम है। हम सब खादम फर्श अज़ा है, ये भी तब हम होंगे वो मान ले हमें, अगर वो हमें यही मान लें तो हमारी निजात के लिए काफ़ी है। फरिश्तों से अगर मौला कह दें कि लिख लो ये लोग खादम फर्श अज़ा हैं तो मुतमैन हो जो तुम्हारी निजात है। खादम भी बनते नहीं ना हम, खादम तो बन जाए,
इससे करके खादम बनने में इज्जत है। अकीदा तौहीद खुदा नो सुनी शिया जो तो नमाज पढ़ दें तो नमाज दे विच पढ़ दें अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका ला, इस दम ना की मैं गवाही देना कि अल्लाह तो सिवा कोई जात लायक इबादत नहीं, वहदहु ला शरीका ला, और अल्लाह का कोई शरीक नहीं ना ओदी जात च ना ओदी सिफात च। शिया के तवज्जो फरमाओ, अल्लाह की जात च भी कोई शरीक नहीं, उसकी सिफात च भी कोई शरीक नहीं, और अल्लाह का जाती नाम अल्लाह है, और इसके अलावा अल्लाह के जितने नाम मशहूर ने निर्णय ये सब अल्लाह के सिफाती नाम हैं, ना उसकी जात में कोई शरीक है ना उसकी सिफात में कोई शरीक है। अगर तुसी किसे नो उस अल्लाह दी जात शरीक कीता और सिफात शरीक कीता अकीदे तौहीद बातिल हो जाए। इन्न शिर्क ला ज़ुल्म अज़ीम, तवज्जो फरमाइए। मैं समझना जेड़े लोग इत्थों तक बयान करके अगे चले जाते हैं जित्थों तक मैं बयान कर दिता है उन लोगों नू राह छड़ के टुर जाते हैं, मंजिल तक नहीं पहुंचाते। इतों तक सुनी भी काल ने शिया भी काल ने मेरा ख्याल है देवबंदी भी इतों तक काल ने अहले हदीस भी काल के बाद औला साडा भी यही अकीदा उदे भी वो इत्थे ब्रेक लाते असी इतों वजात करने पर जी जरूरी वजात की किसे बंदे ने हत्ता के नबी रसूल इमाम नो भी इख्तियार नहीं कि किसे उदी जात शरीक करे या उदी सिफात शरीक करे। अल्लाह इख्तियार रख दे अपना कम किसे को लेना हो ऐ गल ने दस ओ पाबंद कोई ना इस गल ते ओ अपना काम जिदे को लेना चाहे दलील है इन्ना अलैना लल हुदा उस फरमाया हिदायत मेरी जिम्मेदारी है लेकिन आपने इस कीती अपना एक काम नबियां रसूलां इमामां को लिया इस गल ते असी नाज़ आ के जिन्हें असा मनिया है ये वो ने जिन्हां को अल्लाह अपने ढेर कमी है। जिस तरह दीन बनाना अल्लाह का काम था दीन पहुंचाना भी अल्लाह का काम था और दीन बचाना भी अल्लाह का काम था, ये तीनों अल्लाह के काम थे लेकिन अल्लाह ने एक या दो अपने काम लिए हैं, एक नबियों से लिया है दूसरा आले नबी से लिया है। इसीलिए खुदा को इमाम हुसैन का यह अमल पसंद है कि काम मेरा था या तू सलवात पढ़े बाबा ये इख्तियार खुदा इन हस्तियों को कम लें जिन्हों को खुदा कम लगे चूंकि दीन की नुसरत का काम दीन की हिदायत का काम दीन की बका का काम और इस मुश्किल काम वास्ते अल्लाह ने जिन हस्तियों को मुंतखब किया उन्होंने नबी और आले नबी आखते कम मुश्किल लेके फिर इनाम ऐसा दिता जहान नो सारे मुसलमान पाबंद किया इन उत्ते दरूद ना पढ़े होए मैं नमाज भी तो बोल लायक इबादत तो आप है नमाज उसकी इबादत है शुरू ओदे ना तो होंगी खत्म ओदे ना तो नहीं होंगी। या अल्लाह नमाज तेरी सजदा तेरा लायक इबादत तेरी जात तेरे ना तो शुरू किया अल्लाह अकबर तेरे नाम से शुरू किया बिस्मिल्लाह रहमान रहीम कि नबी और आले नबी अल्लाह भी नहीं अल्लाह दे बंदे इन्हां दे जिक्र होंदे इन्हां दी महफिल होंदियां इन्हां दी मजलिसां होंदियां तेरी इबादत है जिन्हां उत्ते दरूद आवाज़ कुदरत आएगी मैं इसे तो रखिया भुलिया नहीं इन्हां ते दरूद पढ़ के याद रखिया मेरी नमाज को बचाने वाले ये हैं पहुँचाने वाले भी ये हैं।
عقیدہ توحید میں شیعہ عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کا کوئی شریک ہم نہیں بنا سکتے، ہم بنائیں مشرک ہو جائیں، نہ اس کی ذات میں کسی کو شریک بنا سکتے ہیں، نہ اس کی صفات میں کسی کو شریک بنا سکتے ہیں. جو اس کی صفتیں ہیں وہ اسی کی ہیں، جو اس کی ذات ہے وہ اسی کی. اللہ ذاتی ہے، نام اس کا، باقی صفاتی ہیں. رب اللہ کی صفت ہے، رب ہونا اللہ کی صفت، رازق ہونا اللہ کی صفت ہے، خالق ہونا اللہ کی صفت ہے. اللہ تو سوا رب کوئی نہیں ہے، اللہ تو سوا رازق کوئی نہیں ہے، اور اللہ تو سوا خالق کوئی نہیں. آیات موجود ہیں، آیتیں ہونے ہاں، کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہوتی. اللہ رب، آیت موجود ہے الحمد للہ رب العالمین. آپ فرمایا سر میں ایک جہان رب نے، میں دو جہان رب، یعنی ربوبیت اچھ کسی نے سلیا دا. رحمت دی منزل تے فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، میں مرکز رحمت ہاں لیکن میری رحمت کا فیض دنیا میں جائے گا آپ کے نبی کے ساتھ. رب صرف اللہ ہے، اللہ نے جدو منگ رب من، توجہ فرمایا، یہ عقیدہ توحید، اللہ کے سوا کوئی رب نہیں. اگر کدیوں تھڑک گئے ہوئے قبر اس قابو آ جائے. اگر اللہ نے رب نہ منے ہوئے تو کسی اور ہی نو من لے ہوئے تو زبان تو اڈے آکھے تو نہیں بولے گی، اس دے حکم تے بولے دی، جو ہوئے آئی ہو دس تے بوتھو چلے دی جی تو بند ہوئی آئی، ریکارڈنگ ہوٹو شروع ہوئے گی جی تو رکی آئی. فرشتے قبر چھ پہلا سوال ہی کر دیں، من ربو کو دس تیرا رب کون. چودم پہ فرمندے جی پکا لائیں وقت صرف آکی اللہ، اللہ ربی، اللہ رب ہے، توجہ فرما رہے ہیں. کہتا مطلب ہے جیرا قبر جواب دینا ہے تو پکا لے گی، آج ہی پکا لو اللہ رب ہے. علی رب نہیں، علی مولا ہے. غلط عقیدیاں دینے چلے جاؤ، احتساب ہوئے گا اہل ممبر کا بھی اور مانیان کا بھی. مولا علی خود فرمائے مجھے رب نہ کہنا، مجھے مولا کہنا. یا علی مولا تو اللہ بھی ہے، فرمائے یہی تو میرا شرف ہے کہ ولایت اللہ کی تھی، اس نے اپنے پاس بھی رکھی، نبی کو بھی دی، مجھے بھی عطا فرمائے. رازق صرف اللہ کے ساتھ، اللہ کے سوا کوئی رازق. اہل بیت وسیلہ رزق ہیں، اگر یہ ہستیاں نہ ہوتی خدا کا رزق کوئی نہ پاتا. یہ وسیلہ رزق ہیں، جس طرح یہ وسیلہ ہدایت ہیں اسی طرح یہ وسیلہ رزق ہیں. آقا نے دو چار بندے ہیں جس کی وضاحت نہیں کی تھی، سوا لکھ اصحاب دے مجمع آقا نے وضاحت فرمائی. میدان خوم غدیر امام مہدی علیہ السلام کا تذکرہ کر دے فرمایا تم کیا پہچانو گے مجھے اور علی کو، میں بتاؤں میرا آخری بیٹا، میرا آخری نائب، جس کا نام میرا نام ہوگا، جس کی کنیت میری کنیت ہوگی، جس کا چہرہ میرا چہرہ ہوگا، اسم ہو اسمی، کنیت ہو کنیتی، شمائل ہو شمائلی، جس کا نام میرا نام، کنیت میری کنیت، جس کا چہرہ میرے جیسا، دنیا دیکھے گی اسے پہچانے گی مجھے، اس کی شان یہ ہوگی. وابے یمن ہی رز کل ورا، مخلوق رزق کھائے گی مہدی کے صدقے. اللہ اکبر، رب اللہ، اللہ تسوا کو رب، آیت موجود ہے.
अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। बच्चे अंदर से करो अकीदे समझाया करो, इंसाफ करया करो, गिरफ्त होएगी बड़ी सख्त जिम्मेदारी है। राजी सिर्फ अल्लाह के साथ तवज्जो फरमा। और तीसरी सिफत खुदा है खालिक सिर्फ अल्लाह के साथ। आयत मौजूद है अल्लाह हो खालिक हो कुल्ले शय। अल्लाह एक चीज का खालिक नहीं, हर चीज का खालिक अल्लाह है। अल्लाह के सिवा सब मखलूक है। आका ने खुद फरमाया अव्वलु मा खलक अल्लाह नूरी, मुझ मोहम्मद को भी नाज है कि मैं अल्लाह की सबसे पहली मखलूक हूं। मखलूक खुदा होने में भी अहले बैत का नंबर पहला है। जहान की खिलकत का आगाज भी इन्हीं से है, खात्मा भी इन्हीं पर होगा। इन्हीं से अल्लाह ने शुरू किया जहान को, इन पर ही खत्म कर दिया। ये इब्तदा भी ये है, इंतहा भी ये है, आगाज भी ये है, खात्मा भी ये है। अल्लाह ने इन्हीं से शुरू किया, इन्हीं पर ख़त्म करके अगला जहान शुरू कर देगा। हम दरमियान में वैसे ही हैं, असल तो वो हस्तियां जिनके सदके जहान बना है, जिनसे शुरू जहान बना। मौला अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली अलैहिस्सलाम एक दफ़ा वादी नमल चु गुजर रहे हैं अपने असहाब समेत। ये तारीख का मशहूर वाक़या है, सुनिया भी लिखा शिमल। नमल आखदन च्यूंटी दी, च्यूंटियां दी वादी। इस्लामाबाद एक यूनिवर्सिटी का नाम भी नमल है, तवज्जो फरमा दे। नमल अरबी का लफ्ज है और यह मन है च्यूंटी, जमा भी है मुफरत भी है, यानी च्यूंटियां। तवज्जो फरमा दे, वादी नमल च्यूंटियों की वादी। गुजर रहे हैं और जमीन से आए च्यूंटियां नाम, जमीन से आए यानी इतनी ज्यादा च्यूंटियां ने कि सामने जमीन स्याह हो गई। तवज्जो रखो, तो मौला अमीरुल मोमिनीन दा एक सहाबी च्यूंटियां दी कसरत वेख के एक जुमला जबान ते प्या दोहरांदे, सुभान अल्लज़ी यालमु अदादहा, पाक है वो जात जो इनकी तादाद को जानती है। अल्फाज मेरे इमाम ने कन्नड़ टकराए, फौरन फरमाया इंज नाख बल्कि इंज आख, सुभान अल्लज़ी खलकहा, पाक है वो जात जिसने इनको खल्क फरमाया है। तादाद तो मैं अली भी जानता हूं, फरमाया मैं इनकी तादाद भी जानता हूं, मैं अली इनमें नर भी जानता हूं, इनमें मादा भी जानता हूं। और उसे फरमाया तुझे पता नहीं मैं इनका कलाम भी सुन रहा हूं। मौला ये क्या कलाम कर रही हैं? फरमाया ये इतनी कसरत से इसलिए बाहर आई हैं, ये एक दूसरे से कह रही हैं बाहर निकलो, वो हस्ती आ गई जिसका चेहरा देखना अल्लाह की। फरमाया इन चुनौतियों का खालिक अल्लाह है, मेरे पास इल्म इतना है कि मैं इनकी तादाद को भी जानता हूँ, इनके नर मादा को भी जानता हूँ, इनके कलाम को भी सुन रहा हूँ। कुरान गवाह है, सुलेमान नबी भी एक वादी जो गुजरिया और एक च्योंटी बाकी च्योंटियां आख रही आई, बिलों में घुस जाओ,
लश्कर आ रहा है, वो तुम्हें रौन देगा। अल्लाह के नबी ने उस चोंटी को पकड़ कर हाथ पे रख कर पूछा था, मुझे जालिम समझ रहा है? उस साहिब मार्फत चोंटी ने कहा, आप नहीं, ये साथ वाले तो जालिम हो सकते हैं। और क्या उसने कहा, बिलों में घुस जाओ, क्यों? बाहर आने का फायदा कोई नहीं। आज ये क्यों कह रही है बाहर निकलो, क्यों? पैगंबर फरमा गए अली का चेहरा देखना अल्लाह की खालिक अल्लाह है, राज़िक अल्लाह है। आयत मौजूद है, इन्नल्लाहु रज़्ज़ाकु ज़ुल्कुव्वतिल मतीन, रिस्क देने वाली जात सिर्फ अल्लाह की। तवज्जो फरमाओ, पैदा करने वाली जात सिर्फ अल्लाह की, रब सिर्फ अल्लाह। मौला इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम दे ज़माने किसे शख्स ने अकीदे तौहीद पे हमला की दस जमिया कर लिया। आम लोग तो ऐसे मामला खामोश हो जाते हैं, लेकिन अल्लाह की हुज्जत पे फर्ज होता है उस बंदे को समझाना, हिदायत करना, तंबीह करना। तवज्जो फरमा रहे, वो बंदा जिथे बंदा एक गल करदा, वो आखदा मैं भी खालिक। बंदे बेड़ चाली होंगे, वो बंदे एडे भेड़ चाल होंगे, इतों रुपये भर के तवज्जो फरमा रहे आज ते जाते अगो मदीने जाते, तो सिरे न पीड़ हो पिछा फोन कर दें दाता दरबार से दुआ मांगे। ये सारे टपना चाहिए है। घर दो अल्लाह के वली बैठे होंगे, एक का नाम अब्बा होंगे तो एक का नाम अम्मा होंगे, तो चोर बार गोडी पेरी हो भेड़ चाल बार मौली साहब किबला साहब दुआ मंगया हो, तेन होश ही पूरी। नबी फरमाया तेरे घर दो अल्लाह के वली ने पैर फड़ खा वे तेरी सुनी दी है या नहीं, उन्होंने वेरना के बारे दुआई मंगवाई फिर तो। ये भेड़ चाल जहालत है। मां बाप भले गुनागार हो, अपनी औलाद वास्ते अल्लाह के वली अगर दुआ मजलिस वालिदैन का एहतराम भी नहीं सिखा सकती तो तुम सुनते क्या हो, तुम रोते क्या हो? आजादार घर जाए तो उसकी माँ पूछे, बेटा आज तेरे अंदाज में फर्क है, मजलिस से आए। उस बंदे ने शुरू कर दिया, जनाब मैं भी खा लेगा। मौला साहब एक अलैहिस्सलाम को पता लगा, उन्हें फरमाया उन लाओ समय तो दी मखलूक वो करदा की है, उस एक डोला रखिया, डोले में उस कोई गोबर पानी कोई केमिकल पाए, कोई दो दे मुंह बंद रखे बच कीड़े बन गए, वो मुंडोला ले फिरे कह मैं बनाया मैं खा लेना, तो वजह फरमा दो मैं पैदा किया। इस गलत मौला सादिक नु बड़ी नाराती हुई, गुस्सा होया भी ये मेरी मौजूदगी अकीदे तौहीद ते हमले कर रहे, खालिक ते सिर्फ अल्लाह की जात। उसने बुला लिया आका दे कोल, हर वक्त जमे गफील होंदा तिशनंगा ने इल्म मौजूद होंदे, दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों से लोग फैसयाब होने वास्ते आते हैं, तो उन्होंने भी पता लग गया भाई तो कोई अल्लाह बनया फिर तवज्जो फरमा, ये तो सिफत खुदा भी खालिक। वो फरमाते मैं सुने तू खालिक होने का दावा किया, हो सके जी फरमा तौबा कर, हो सके जी तौबा की करनी, मैं आप बनाया इन पैदा किया। हौसला भी रख देना ले बैत आ सौड़े नान पौधे दवाड़े आ रहे, हौसले दे पहाड़ होंगे आ रहे, अल्लाह की सिफत है दुनिया च इजहार होया मुहम्मद वाले। आ जाओ जी जाकर थोड़े इंतजार से, मैं ढेर सारा लम्मा पढ़ा दा। बिस्मिल्लाह अहलन व सहलन माशाअल्लाह।
परमंदन जरा अपनी मखलूक से बखा उस डोला खोलिया जमी उ मुंडे लिया कीड़े टुरन लग परमंदन जी तू इन्हों का हल के जरा दस इन की तादाद की ठीक है आंदे नहीं जान अच्छा परमंदन जे तू इन्हों का हल के तादाद ने दसदा ए ते दस इन च नर कितने फरमंदे ना मैं इन्हों खालिक हाँ एक कम कर छड़ तो मान लें अज इन्हों का मुंह सजे इन्हों खबे कर लो तेरी मखलूक जे अपना इख्तियार देना खबे आना ना सजे कर दो भी मेरी मनते नहीं फरमंदे क्यों जो तू खालिक ना तेन इन्हों की तादाद का पता है ना तेन चु नर और मादा का पता है और ना ही तेरी गल मनते फरमंदन मैं जाफर सादिक इन्हों की तादाद भी जानू मैं इन्हों चो नर और मादा भी जानना मैं आखा तो सजे वाले का मुँह खबे हो जाए खबे वाले का सजे हो जाए बोला हो सकता है फरमाया मैं तादाद दस दिया तेरे कोई पैमाना नहीं चेक कर मैं नर और मादा भी दस सकना लेकिन तेरे कोई पैमाना नहीं चेक कर मैं तेन पैमाना भी देना जिन्हों का मुँह सजे अगर मैं आखा खबे कर ले सन जिन्हों का खबे अगर मैं आखा सजे कर ले सन इशारा किया सजे ने मुँह खबे कर लिया खबे ने मुँह सजे कर लिया आखद फिर तुम खालिक हो पर मैं होशकार खालिक सिर्फ अल्लाह यजीद ने पहला हमला अकीदे तो दिया कोई खुदा नहीं तड़प गई रूह है हुसैन पर मैं साबित करांगा अल्लाह है उस अल्लाह दे वजूद दी दलील दा ना है कुर्बानी है हुसैन किसे खुदा ने वेख्या न कोई वेखेगा जे जमीर च कोई कशमकश भी चलती है करबला सुनिया करो जमीर बोलेगा वो मन कोई तो है जिद अगे हुसैन हर शह रखिए तो उस हुसैन की हर शह बचा ली वो ही तो खुदा है अल्लाह सुब्हानहू मुहर्रम के दिन बड़ी तेजी नाल गुजरे साल बाद आंदे मोमिनीन की बड़ी हसरत होंगी अदादारों तारीख चार तमाचे ऐसे लगे जिन्होंने अल्लाह की जमीन हल गई है अल्लामा मुकद्दस जंजानी ने किताब का नाम मिफ्ताहुल जन्ना उदे च उन्होंने लिखा यह वाकया चार तमाचे ऐसे लगे इस जहान के जिन्होंने लगन तो बाद जमीन हली और लिख दिन पहला तमाचा यूसुफ नबी लगा सुने फिर तू सड़ चढ़िया कुड़ता ला के बेंदे चढ़िया बेड़िया खा गया कफला गुजरिया पानी भरन लगे जो चंद चंद तो सोना चेहरा यूसुफ नबी पढ़ लियो ने बचपन आई खूबसूरत हाँ कफले वाले बड़े खुश हुए बेचा दे इनाम बड़ा लगे उठते पा लियो ने नाजिक तन आई कब्रस्तान के करीब पे गुजर दिया यूसुफ नबी माँ की कबर तीसरी जाने पर माँ की कबर ते जाके डाढ़ रोने अम्मा आपे तो भी निखड़ गया गिरावा भी खूह सड़े काफले ते भी काबू आ गया डाढ़ रोने अगे टुर गया काफला उन्हें वेख्या उसकी कण खाली वो पीछे आए उस हाथ से आया भी तू क्यों लत्थे उठ तो अल्लाह के नबी दे मुँह से तमाचा लगन दी दे रहा है जमीन हल एडे सोने मुँह से तमाचा किवें पिया मारना है माफ करे दिल दुखे पहले भी गुजारिश करना दूजा तमाचा थी नबी दी लगे जहरा नू लगे उदो जो मुसलमान दर ते पुरसा देना आया अग ते लकड़ियां ले आए
ज़हरा दरवाजे के पीछे आए। हिरानी रोज़ा खान पे पड़ दिया दी नबी दी दे कतल दे त्रै गवाह बन गए। एक दरवाजा दूजा दीवार इत आगे रुक गए रोन लग पे। बंदे आंदे अगले भी दसो गवाह त्रीजा गवाह दसो। उन्हें आख्या दरवाजे च लगे हो किल दी नबी दे कतल दे गवाह है। एक सवालिया निशान जे पूछिया जाके की गल है। ढेर दुनिया अहले बैत दे मकतब ते आई दी गल सुन के जी एडी प्यारी है अपने बाबे नूं एडे जुल्म होए उस ते। तमाचा उदो लगा जद अली दा दामन नहीं छड़दी। एक लाइन ने हाथ ते मारे आस दूजे लाइन ने मुंह ते तमाचा मारे जमीन हलन लग पई। ते रो कह दी बाबा वेखो मैं ओही ज़हरा। अल्लाह अकबर अजरुकुम अल्लाह। आजादा रो त्रीजा तमाचा लगा जे मुस्लिम दी जोड़ी। अल्लाह अकबर। यतीमान तकदीर हारस दे घर ले आई। हारस दी बीवी मोमिन आई पता लगा सब पास दे पड़े हैं। बिस्मिल्लाह करके उठी पानी ले आई हाथ धोए पैर धोए मुंह धोए खाना दिता सी बिस्तर बनाया उस बाला खाने थे। सम गए दोवें शहजादे जड़े मुद्दत ते जागे हुए आ ते सम इंज गए गल च बही पाके एक दूजे दे सम गए। अज रात ढलिए छोटे दी अख खुलिए वड्डे जगह के ते ख्वाब च बाबा बोले आ प्यार पे करते आ प्यार दे दुख तो जिन छुट गए वड्डा छोटे नु आदे ख्वाब ते मैनु ही नहीं आया। दोवें बेरा रोन लग पे। हारिस घर आया बीवी को पुछदा सडे घर च रोन दी आवाज आ रही। आखदी किसी हमसाए दे बच्चे हो सन। इन यकीन नहीं आया चिराग ने अस बाला खाने तक गया दरवाजा खोलिया दो नौरानी चेहरे आखते कौन हो सैयदान हाशमिया। हिम्मत नाल जवाब दिता ने तू कौन है। अदे मैं घर का मालिक हाँ। आदे जे तू मालिक है असी तेरे मेहमान है। बस लफ्ज जे समझ आ गया काफी है मसाइब हो जाएगा। असी तेरे मेहमान हाँ। हजादारो इस लाइन हाथ चाया तमाचा मारिया पहले वड्डा जमीन पे जान पे वत छोटा जान पे जुल्फा च हाथ पा लैस ते बाला खाने तो जमीन ते ले आणास। अजे कुछ सीढ़ियां बाकी आण पहले वड्डे दे वाल छड़ दिते वत छोटे दे वाल छड़ दिते। वड्डा रो छोटा रोंदा भाई मेरी पेशानी जख्मी हो गई कोई कपड़ा दे मैं मत्थे दा खून साफ करा। अदे जिम्मे निभदी ही नहीं बा सारी रात सतूना नाल बदे रहे। दिन चढ़िया नौकर नु बुलाया अदे सलाखा गर्म कर इन्हों के रुख सारिया ते निशान कदी गौर किया क्यों लांदा ही सोने बड़े आ एडे सोने आ जानदा ही जदों मैं बाजारी चो गुजरने हर बंदे पुछने ओ ज़ालिमा किहदा घर उजाड़ा लगे। तो निशान इस तो बना जे बच्चे बंदे खरीदते हैं गुलाम बनाते हैं वो अपने गुलाम निशानियाँ लाते हैं ये साढ़े खरीदे हुए अदे निशानियाँ इस तो लानी कोई पूछे नहीं नौकर आदा हया कर एडे सोने चेहरे पुत्र ने बोला बाबा जुलम न करी एडे सोने चेहरे अंत तो निशान नहीं मिलते। अल्लाह अकबर। जालम जुलम फतेह इसका इसे दोवें बिरावन के हाथ खोले एक रस्सी च बंद किए। यदि बीवी सामने आके दी मेहरबानी करी मारी नहीं मैं मेहमान रखे आदा पीछे हट जा मैं जुलम कर सा। यदि छोटी बच्ची है उस सामने आके दी बाबा ये आपे कोई नहीं आए असा बुलवाए मैं तेरी धी हाँ मैनु इन जो आए टुर जान दे बच्ची ना पीछे हट जा मैं जुलम कर सा। बच्ची आई छोटी मकान की छत से चढ़ गई है तो उच्चे उच्चे वेंट करके दी आओ वे लोग साढ़े पे मेहमान मरी घर चु लेक निकले दोवें सैयदा दिन कि लै चलना आदे दरिया दी सैर शहजादे दिन सन लोड़ नहीं आजाद करते असि वतन ते टुर जाए आदा नहीं नहीं मन दरिया ते आओ तुम सैर करावा मन दरिया ते ले आए आदे चोल लाओ आदन क्यों आदे कतल करना आदन क्यों आदे इनाम दी लोड़े हुण हिम्मत करके वड्डा बोले आदे असी कोई गरीब
सानू जिंदा साड़ी मां को ले चल साडे मां में इतना इनाम दे सन तेन सारी जिंदगी कमान दी लोड़ न रसे अगर कोई कमी रह गई साड़ियां बहना कन्ना तो तोरी ला दे या सानू जिंदा इब्ने ज़ियाद दे दरबार च ले जा जेड़ा फैसला करे सन कबूल आदा नहीं नहीं मैं कत्ल करना या देना अच्छा तू मारना या समरीने सन दो दो रकत नमाज पढ़ लेन दे ओ मुस्लिम दी जोड़ी दी शहादत ते रोण आले ओ जरा नमाज दी अहमियत समझो भावे यतीम है छोटिया दुश्मन दी गिरफ्त जाए आ दिन सानू दो दो रकत नमाज पढ़ लेन दे आ दे पढ़ लो जे फायदा देंदी है दरियाल वदना ते हट जाओ पानी दे बहाने बड़ा तयम्मम करके नमाज पढ़िए हाथ जा के पे दुआ मंग दे या अहकमल हाकिमीन ओ सोने फैसले करन वाला अल्लाह असी उन्ने राजी हां जिवें तू राजी है इस वटे दियां ज़ुल्फां च हाथ पाया तलवार चाहिए छोटा वीर वीर करके फिरा दे जण पी है अद मेरे सामने मेरे वटे फिरा न मार वटे फिरा प्यावा दी जान है इस वटे दियां ज़ुल्फां चटियां छोड़े दियां ज़ुल्फां च हाथ पाया वड्डा गर्दन रख के अद मेरे सामने न मार मेरा छोटा फिरा है मैन बाबे पारदा दित्तियां मैन अंबड़ी पारदा दित्तियां इस वटे दियां ज़ुल्फां च हाथ तलवार चाहिए छोटे दा मुंह मदीने अल फिर गया रोकिया दने तमान कर ली हावे अम्मा साडे सामने पे के घर दा ओ सानू हुण कलिया रह गया अम्मा मेगा जुन भेद लानतुल्लाह अला कौमिल आलमीन।